नमस्कार, आइए दोस्तों जान लेते हैं आज के ताजा समाचार। मुख्य समाचार हिंदी न्यूज हेडलाइंस न्यूज के तहत मुख्य समाचारों में दोस्तों सैमसंग दे रहा है 27 लाख रुपए जीतने का मौका। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं बड़ा ऐलान, इससे 1 लाख से अधिक कर्मचारी होंगे बेघर। जी हां दोस्तों, अब इंस्टाग्राम भी आएगा ए बिजनेस में, अमेजोन को मिल गई है चुनौती। जी हां दोस्तों, यदि आपके पास मास्टर वीजा कार्ड यूज करते हैं तो आरबीआई ने किया है बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, भारी बारिश से मुंबई का हो गया है बुरा हाल, मौसम की सारी जानकारी आपको बताएंगे। जी हां दोस्तों, यदि आप 1000 की खरीदारी करते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा रेडमी नोट 7S। जी हां दोस्तों, इन सारी खबरों को इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो को बिना भगाए हुए पूरा अंत तक देखिए। जी हां दोस्तों, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार बनाई है बीमारी कंपनियों का आंकड़ा, इससे 1 लाख से अधिक कर्मचारी होंगे प्रभावित। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश की पब्लिक सेक्टर की कई कंपनियां घाटे में चल रही है, वहीं कुछ कंपनियां ऐसी भी है जिन्हें सरकार बंद करना चाहती है। इन बीमारू कंपनियों से जुड़े करीबन 1 लाख से अधिक कर्मचारी प्रभावित होंगे, यह सरकार संसद में यह बात बताई है। सरकार की ओर से यह कहा गया है कि बंद हो रही कर्मचारियों के मुआवजे के वो हकदार हैं। आपको बता दें कि हाल ही में कर्नाटक के बीजेपी सांसद एसी उदासी ने सरकार के पब्लिक सेक्टर की बीमारू कंपनियों को लेकर के कुछ सवाल भी उठाए थे। इससे उनका पहला सवाल था कि देश में कितने बीमारू कंपनियां पीएसयू कंपनी और कितने प्रभावी कर्मचारी हैं, और दूसरा उन्होंने यह सवाल उठाया था कि बीमारू पीएसयू कंपनियों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार के पास क्या योजना है। इस सवालों के लिए पीएसयू कंपनियों के काम करने वाले कर्मचारियों के आजीविका के लिए सरकार द्वारा कदम उठाने की ब्यौरा बताया गया है। आपको बता दें कि इससे अलग अलग विभागों के करीबन 56 कंपनियों का जिक्र किया गया है, इससे 1,13,256 कर्मचारी प्रभावित होंगे। जी हां दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि अब इंस्टाग्राम भी आएगा ई बिजनेस में, अमेजोन को मिलेगी चुनौती। जी हां दोस्तों, लगभग 10 लाख यूजर्स वाला इंस्टाग्राम भी अब ई कॉमर्स कारोबार में उतरने की तैयारी कर रहा है, इससे अमेजोन के एक छत्र राज्य की चुनौती मिलेगी। इंस्टाग्राम के नए प्रमुख ने यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि इससे अक्टूबर में कारोबार संभालने के बाद पहले इंटरव्यू में अंग्रेजी अखबार में उन्होंने कहा था कि कंपनी के लिए उनकी योजना दुकानदारों, विक्रेताओं और इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए बड़ी संख्या को जोड़ने की है। इसके मुताबिक योजना फेसबुक के अधिग्रहण करने वाले फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म के मुख्य पहलू, जिसमें से यूजर्स अपनी अपलोड की गई तस्वीर या फिर यूजर्स को दिखाता है, उसको पीछे छोड़ करके एक सेल्स पोर्टल में बदलने की तैयारी वो कर रहे हैं। इससे करीबन वैश्विक खरीदारी में इसकी हिस्सेदारी बहुत ही कम थी, लेकिन ई कॉमर्स का व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। डिजिटल कॉमर्स 360 की माने तो 2018 में इसकी वैश्विक बिक्री बढ़कर के 2.86 ट्रिलियन तक पहुंच गई थी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम ने वैसे ही डायरेक्ट सेल्स का पायलट प्रोग्राम मार्च में ही शुरू किया था, लेकिन अब सिर्फ 20 ब्रांड तक ही सीमित था। इस ब्रांड के जरिए अलग अलग तरीके के इसमें ऐड दिखाए जाते थे। इससे भुगतान के लिए पोपल प्रौद्योगिकी का भी इस्तेमाल किया जाता है। जी हां दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें कि सैमसंग दे रहा है 27 लाख रुपए जीतने का मौका। जी हां दोस्तों, साउथ कोरिया की कंपनी सैमसंग और डिजन मैगजीन ने 2 साल पहले QLED टीवी स्टैंड के लिए नया डिवाइस कॉम्पिटिशन का आयोजन किया था। अब एक बार फिर से इन दोनों के साथ मिलकर के नए डिवाइस कॉम्पिटिशन का ऐलान किया गया है, लेकिन इस बार टीवी नहीं बल्कि मोबाइल डिवाइस और स्मार्ट वियरबल्स रखा गया है। सैमसंग मोबाइल और डिवाइस मैगजीन डिजन के गैलेक्सी स्मार्टफोन, टैबलेट्स और वियरबल्स के लिए नई एक्सेसरी तैयार कर रही है, जिसके लिए फ्रेश आइडियाज की जरूरत होगी। इस कंपटीशन में जीतने वाले लोगों को कैटेगरी के डिवाइस से उनको इनाम दिया जाएगा। इसके बीच लगभग $40,000 यानी भारतीय रुपए की माने तो 27,60,000 रुपए इनको इनाम में दिया जाएगा। इसमें एक वेयरवेल्स की कैटेगरी भी होगी और दोनों की कंपनियां प्रत्येक कैटेगरी के लिए 5 विनर्स सेलेक्ट करेगी। इसके बाद से उन्हें लंदन भेजा जाएगा और वहां से उनको जूरी के पास उनको आइडिया में पेश करना होगा, जिसके बाद जूरी 5 में से 3 विनर्स को चुनेगी और इस विनर्स को 1 साल के लिए सैमसंग के डिवाइस कॉन्फ्रंट के लिए इनामी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल 2019 लोकसभा में पास हो चुका है, 6 महीने बढ़ गया राष्ट्रपति शासन का समय। जी हाँ दोस्तों, भारी हंगामे के बीच लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल पास हो गया है। इसके साथ ही राज्य में राष्ट्रपति शासन का समय 6 महीने और बढ़ा दिया गया है। इससे पहले राष्ट्रपति शासन का समय 3 जुलाई को समाप्त होने वाला था। कांग्रेस के सदन में इस बिल का खूब विरोध किया गया है, लेकिन अमित शाह ने कहा है कि जब भी चुनाव आयोग कहेगा जम्मू कश्मीर में निष्पक्ष चुनाव जरूर कराए जाएंगे।
उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, हमारा विचार है कि देश की सीमाओं की रक्षा हो। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि RBI ने जारी किया है बड़ा अपडेट, विदेश में प्रोसेस करें लेकिन 24 घंटे के अंदर डेटा भारत लाए पेमेंट कंपनियां। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक ने पिछले साल कहा था कि सभी विदेशी पेमेंट कंपनियों को अपने डाटा को केवल भारत में रखना होगा, जब RBI ने साफ कर दिया है कि वीजा मास्टर कार्ड जैसी विदेशी पेमेंट कंपनियां अपने लेन देन को विदेश में प्रोसेस कर सकती हैं, लेकिन उन्हें डेटा 24 घंटे के भीतर भारत ला करके उन्हें स्टोर करना ही होगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि RBI ने साफ कर दिया है कि वीजा मास्टर कार्ड जैसी पेमेंट कंपनियां अपने लेन देन को विदेश में प्रोसेस कर सकती है, लेकिन 24 घंटे के अंदर भारत में उन्हें लाना होगा। RBI ने कहा है कि पिछले साल अप्रैल में यह निर्देश जारी किया था कि सभी विदेशी पेमेंट कंपनियों को अपने डेटा को भारत में ला करके उन्हें रखना होगा, ताकि उन निर्बाधता तरीके से निगरानी की जा सके। अभी तक RBI ने यह साफ कर दिया है। आपको बता दें कि अमेरिका सरकार और कई तरह की कंपनियां इस नियम के बदलाव के लिए जबरदस्त लाइबिंग कर रही है, लेकिन उनका कहना है कि इस निवेश से कंपनियों के बुनियादी ढांचे पर लगातार बढ़ोतरी हो रही है और उसके निवेश योजना को चोट पहुँच रही है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दी कि जेट एयरवेज कर्मचारी समूह आदि ग्रुप मिलकर के लाएंगे विमानन कंपनियों के लिए बोली। जी हाँ दोस्तों, जेट एयरवेज के 75% हिस्सेदारी के लिए उन्हें कर्मचारियों के लिए एक समूह और आदि ग्रुप ने मिलकर के बोली लगाने के लिए घोषणा कर दी है। यह जेट एयरवेज की खरीदारी को अपने पहल के लिए यह पहल की है। कर्ज के बोझ से दबी जेट एयरवेज देश की पहली ऐसी विमानन कंपनी है जिसमें से NCLT की प्रक्रिया का सामना कर रही है। NCLT में कंपनी के फिलहाल भारतीय स्टेट बैंक 26 और अन्य ऋणदाताओं को 20 जून तक यह दिवालियों और शोषण आरक्षण प्रक्रिया शुरू करने के लिए याचिका दायर की गई थी। जेट एयरवेज पर बैंकों के करीबन 8500 करोड़ रुपए और बोर्डरों पट्टा देने वाले कर्मचारियों और इनके लिए लगभग 25,000 करोड़ रुपए बकाया है। कर्मचारियों के समूह और आदि ग्रुप ने यह बयान के माध्यम से यह साझेदारी की है। आपको बता दें कि संयुक्त बयान में कहा गया है कि भारतीय विमानन उद्योग के इतिहास में एक ऐसा सवेरा आएगा जब पहली बार यह होगा कि किसी विमानन कंपनी का प्रत्येक कर्मचारी उसका मालिक होगा और परिचालन भी कर सकेगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्व सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जैसा लग रहा है। यहाँ दोस्तों, अली खबर आपको बता दे कि सिर्फ 1000 की खरीदारी पर आपको फ्री में मिल जाएगा 48 MP वाला रेडमी नोट 7S। जी हाँ दोस्तों, चीन की कंपनी सोमी 15 जुलाई को भारत में अपने 5वीं सालगिरह पूरा करने वाली है। इसमें भारत में अपनी 5वीं सालगिरह को सेलिब्रेट करने के लिए कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए जबरदस्त ऑफर का ऐलान किया है। EMI टर्न्स 5 कैंपेन के तहत कंपनी अपने फैंस के लिए शॉप एड विन कॉन्टेस्ट लेकर के आई है। इसके तहत फ्री में आपको सोमी फोन जीत पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए कॉन्टेस्ट में जीतने वाले कस्टमर को कंपनी हर हफ्ते फ्री में रेडमी नोट 7 नोट 7 और रेडमी नोट 7S देगी। अभी आप सोच रहे हो कि इसके लिए क्या करना होगा, हम आपको बता दें कि इसके लिए आपको MI.com की वेबसाइट पर जाना होगा। इससे वहां पर आपको 1000 की खरीदारी करनी होगी। यह जो ऑफर चल रहा है वो 28 जून से लेकर के 29 जुलाई तक चलेगा। इसमें से कॉन्टेस्ट में जीतने वाले हर 5 विनर्स को फ्री में उनको स्मार्टफोन मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अली खबर आपको बता दे कि चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोल डीजल का भाव जो है वो आसमान छू रहा है। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण आज 6ठे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पूरी तरीके से भारी गिरावट दर्ज की गई है। आम चुनाव होने के बाद से लगातार दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 84 पैसे बढ़ी है, जबकि डीजल की कीमतें 73 पैसे बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि इसके सहयोगी इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक कच्चे तेल की कीमतों के तेजी से मद्देनजर नुकसान की भरपाई के लिए 3 कंपनियां आने वाले समय में प्रति लीटर 3 रुपए बढ़ोतरी कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि सोने चांदी की कीमतों में आई है गिरावट। चांदी का कीमत आज पूरी तरीके से घट गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ऑल इंडिया सफरा एसोसिएशन के अनुसार आज स्थानीय ज्वेलर्स की नम लीलवी के लिए राजधानी दिल्ली के लिए सोने के भाव में नमी देखने को मिली है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने की कीमतों में आज 65 रुपए की गिरावट दर्ज होगी। इसके बाद से यह 34,285 रुपए प्रति 10 ग्राम को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, सोने के मंदी के साथ ही चांदी की कीमतों में भी आज मंदी देखी जाएगी, जिसमें से चांदी आज 150 रुपए की गिरावट के साथ 68,600 रुपए प्रति किलोग्राम आ जाएगा। इसके अनुसार कारोबारियों औद्योगिकी इकाई और सिक्का कारोबारी द्वारा लीलवी घटने के कारण चांदी के भाव में यह मंदी हुई है। जी हाँ दोस्तों, अली खबर में आपको बता दें कि एयरटेल ने कोलकाता में बंद की है 3G सेवा। जी हाँ दोस्तों, दूरसंचार कंपनी भारतीय एयरटेल ने कोलकाता में 3G सेवा बंद करने
की घोषणा कर दी है। यह कदम देश के तीसरी पीढ़ी की मोबाइल प्रौद्योगिकी को 4G में बदलने के लिए उठाया गया है। भारतीय एयरटेल के प्रमुख प्रौद्योगिकी अधिकारी ने यह बयान दिया है। जी हां दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि योगी सरकार का बड़ा ऐलान, सूबे की 17 जातियों को अनुसूचित जातियों के लिस्ट में डाला गया है। जी हां दोस्तों, इस सब के पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि इस सभी जातियों की सामाजिक, आर्थिक और वैश्विक स्थिति निम्न स्तर की है और ये जातियां अनुसूचित जाति की सूची में शामिल होने के लिए सभी शर्तें पूरा करती है। इसके साथ ही यह जातियों को SC की सूची में शामिल किया गया है, जाने से वर्तमान अनुसूचित जातियों के लिए कोई नहीं नुकसान होगा। जी हां दोस्तों, इसी तरीके के खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।